Hi, good evening. Today we are going to discuss the bail provisions under CRPC. Bail provisions are under Chapter 33. First of all, we have to understand the difference between bailable and non-bailable offences. Earlier I have discussed that the FIR can be registered by the police only for cognizable offences. So we have to understand the difference between cognizable and non-cognizable offences. Okay. For non-cognizable offence, only a complaint can be filed before the court. And on the directions of the court, the warrants can be issued for arrest. But for cognizable offence, even without warrants, the accused can be arrested. हमने कल सेक्शन 41 सीआरपीसी पढ़ा था, जिसमें हमने अरेस्ट की पावर्स बताई थी और अनेश कुमार का केस भी डिस्कस किया था. हमने ये बताया था कि 7 साल से कम के जो ऑफेंसेज हैं, 7 साल तक की पनिशमेंट वाले ऑफेंसेज हैं, उनमें पुलिस कुछ पर्टिकुलर सरकमस्टांसेज में ही अरेस्ट करेगी और वो सरकमस्टांसेज आपसे कल हमने डिस्कस किए थे, राइट? यानी कि पुलिस मे नॉट अरेस्ट इन द केसेस फॉर विच द पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर लेस देन 7 ईयर्स. फॉर मोर देन 7 ईयर्स पुलिस कैन अरेस्ट एंड 41 प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल, राइट? So, in cognizable offence and where the arrest is being made as per the provisions of section 41, after the arrest, within 24 hours, the accused shall be produced before the court. Okay. If the offence is bailable in nature, then 436 CRPC would be applicable. 436 CRPC says that if offence is bailable, and if the offence is not in the category of non-bailable offences, then bail would be granted. Bail shall be granted. The accused shall be released on bail. Bail is a matter of right for bailable offences. It can be granted by the police officer or by the court if produced before the court. ठीक है. तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन में भी पुलिस ऑफिसर बेल दे सकते हैं और कोर्ट के सामने 24 घंटे में पेश कर दिया तो कोर्ट को भी बेल देनी पड़ेगी. ठीक. कौन से ऑफेंसेज बेलेबल है और कौन से नॉन बेलेबल हैं, ये शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है. ओके. शेड्यूल 1 में पूरा का पूरा डिटेल्ड है कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नहीं. तो फॉर द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट दिस इज मस्ट टू चेक कि बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसके लिए बेल मांगी जा रही है. अगर ऑफेंस बेलेबल है तो बेल की एप्लीकेशन लगाओ या ना लगाओ, बेल मिलेगी ही क्योंकि इट इज ए मैटर ऑफ राइट. दिस बेल ऑर्डर मे बी ऑन फर्निशिंग बेल बॉन्ड
विद और विदाउट श्योरिटी, ठीक है। कोर्ट और दी पुलिस ऑफिसर मे आस्क फॉर दी श्योरिटी टू बी प्रोड्यूस्ड और मे नॉट आस्क फॉर। अगर मान लीजिए श्योरिटी के साथ आपको पेश करना है तो एक श्योरिटी पेश करनी पड़ेगी, एक या दो जितनी भी कही जाएंगी, जो कंडीशन है बेल की वो पूरी करनी पड़ेगी। और अगर ये श्योरिटी की बात नहीं की गई है तो बेल बॉन्ड फर्निश करने से भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बेल ऑर्डर पास करना पड़ेगा कोर्ट को भी और पुलिस को भी, ये लिखते हुए कि ऑफेंस क्योंकि बेलेबल है इसलिए बेल ग्रांट की जा रही है, ठीक। ये हुआ बेलेबल ऑफेंस की पोजीशन। यहाँ एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर मान लीजिए विद श्योरिटी कहा है, और अक्यूज के पास श्योरिटी नहीं है, इंडिजेंट पर्सन है। इंडिजेंट मतलब मैंने आपको बताया था सिविल में इंडिजेंट पर्सन वो है जिसके पास अपनी इनकम नहीं है अपने लाइवलीहुड करने के लिए, उसको इंडिजेंट पर्सन कहते हैं। तो इंडिजेंट पर्सन के लिए अगर विद श्योरिटी कहा हुआ है और उसके पास श्योरिटी नहीं है और बेल बॉन्ड कहा हुआ है और वो बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर सकता, तो उसको पर्सनल बॉन्ड पर भी रिलीज कर सकते हैं। बेल बॉन्ड और पर्सनल बॉन्ड में क्या फर्क है? बेल बॉन्ड में आपको बेल का अमाउंट कोर्ट बताता है तो उतने अमाउंट की आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और अगर श्योरिटी कहा हुआ है तो श्योरिटी को वो सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहा गया कि ग्रांटेड ऑन बेल ऑन फर्निशिंग बेल बॉन्ड ऑफ ₹10,000, तो उसे 10,000 का कुछ दिखाना पड़ेगा साउंडनेस कि उसके पास 10,000 है। लेकिन अगर इंडिजेंट पर्सन है तो उनको पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ सकते हैं। पर्सनल बॉन्ड इज टू अपियर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। सो पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड में ये फर्क है। श्योरिटी अगर विद श्योरिटी कहा हुआ है तो वो श्योरिटी बॉन्ड भरेगा, और जितने अमाउंट का कहा गया है वो उस अमाउंट का भरेगा। इंडिजेंट के लिए हम श्योरिटी बॉन्ड या बेल बॉन्ड की जगह पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है, उस वक्त खाली बेल बॉन्ड भरना है, श्योरिटी नहीं देना है, श्योरिटी बॉन्ड नहीं देना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बेलेबल ऑफेंस में किसी का बेल ऑर्डर हो गया और वो 7 दिन तक 7 डेज तक बेल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड नहीं दे सका, तो कोर्ट को अज्यूम करना पड़ेगा कि अक्यूज इंडिजेंट है। एक तो हुआ कि अक्यूज बोलेगा मैं इंडिजेंट हूं नहीं दे सकता हूं तो पर्सनल बॉन्ड पे कर देगा। एक अगर वो 7 दिन के अंदर श्योरिटी या बेल बॉन्ड नहीं पेश कर सका और बेल ऑर्डर होने के बावजूद भी वो कस्टडी में चला जाता है तो कोर्ट 7 दिन के अंदर अंदर उसे पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर देगी। इसे ध्यान रखिए, ये 436 का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो याद रखना है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को ये चीज ख्याल रखनी है कि अगर मान लीजिए बेलेबल ऑफेंस भी है और कोर्ट ने बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड का ऑर्डर कर रखा है और वो अक्यूज 7 दिन तक नहीं पेश करता है तो कोर्ट उसे इंडिजेंट बिलीव करके पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ सकती है। तो आफ्टर 7 डेज यू कैन मूव एन एप्लीकेशन कि भाई उसे इंडिजेंट मान के और उसे रिलीज कर दो, ओके। ये हुई 436 की। अब हम 436 ए और देखेंगे, सेक्शन 436 ए भी बेलेबल वो केस से है रिलेटेड, लेकिन नॉन बेलेबल केसेस में भी जिनमें ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल, इन सब का पीरियड कस्टडी का अगर अक्यूज का हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड, ठीक है, फॉर द ऑफेंस एलिज, जिस ऑफेंस के लिए अक्यूज को
एलिज किया गया है, अक्यूजिशन लगाई गई है, जिसका ट्रायल चल रहा है जिस ऑफेंस पर, उस ऑफेंस की इम्प्रिजनमेंट जितनी है मान लीजिए 7 साल है। अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अगर उसे इसका आधा यानी 3.5 साल से ज्यादा हो जाता है तब भी उसकी बेल ग्रांट हो जाएगी। बेल ग्रांट होगी उसकी। समझ में आ रहा है कुछ बात? समझ में आई? अगर अक्यूज की बेल नहीं हुई मेरिट पर, नॉन बेलेबल ऑफेंस था या बेलेबल ऑफेंस था, तो बेलेबल ऑफेंस में तो आपको पता ही है कि बेल ऑर्डर हो जाएगा, 7 दिन के अंदर इंडिजेंट मान के उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ट्रायल में नॉन बेलेबल ऑफेंस में कभी भी बेल नहीं हुई उसकी, बेल रिजेक्ट हो गई, और उसका ट्रायल के दौरान अरेस्ट से लेकर ट्रायल तक के बीच में पीरियड हाफ ऑफ द टोटल पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस पूरी हो जाती है और वो कस्टडी में डिटेन रहता है उस पीरियड में, तो बेल उसको बेल ऑन डिफॉल्ट मिल जाएगी। डिफॉल्ट किस चीज का हुआ? ट्रायल ना कंक्लूड होने का, उसकी कस्टडी का। ठीक है, तो उसमें मेरिट की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन कैन बी मूव्ड इन सच केसेस फॉर द अक्यूज वेयर हाफ ऑफ द पनिशमेंट हैज ऑलरेडी अंडरगॉन बाय द अक्यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ओके, ये प्रोविजन आप याद रखिए, दिस इज 436A। इसमें कोर्ट को थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अगर कोर्ट ऐसा महसूस करे कि इसकी बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए इस ग्राउंड पर, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस है या कोई और रीजन से है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हो सकता है, टेम्परिंग ऑफ समथिंग, ट्रायल किसी तरह से या भाग जाएगा क्यों, तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा, रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड, और ऑर्डर करेगा रिजेक्ट करने का कि वो इसको बेल को क्यों नहीं दे सकते। कोर्ट इसमें रिजेक्ट कर सकती है उसको रिलीज करना, पर उसे रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि भाई नेचर ऑफ ऑफेंस या तो ग्रेव है या टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कर सकता है ये बंदा रिलीज होने के बाद, या सीरियसनेस ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस है, या ये फ्ली कर जाएगा यानी कि भाग जाएगा, बाद में प्रोक्योर नहीं हो सकता, ऐसे रीजन्स रिकॉर्ड करके ये बेल नहीं दी जा सकती, राइट? अदरवाइज दिस बेल इज ऑल्सो ए मैंडेटरी बेल इन डिफॉल्ट, अगर कोई ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है फॉर द पीरियड मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस। अब हम जाते हैं सेक्शन 437 आईपीसी, दिस इज रिलेटिंग टू नॉन बेलेबल ऑफेंस। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए यह ध्यान देना जरूरी है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में एप्लीकेशन फॉर बेल इज मस्ट, यू हैव टू अप्लाई फॉर इज मस्ट, एंड ड्राफ्टिंग ऑफ एप्लीकेशन में भी उन्हें यह ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ड्राफ्ट करना है। पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पर वो बेल मान रहे हैं, किन फैक्ट्स पर उसे बेल चाहिए, केस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, कौन कौन सा उसका डिफेंस है जिसकी वजह से वो कहता है कि मेरे को बेल चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए एक मर्डर अक्यूज है, उसके ऊपर अक्यूजिशन मर्डर के हैं, और वो ये प्ली लेता है कि जिस वक्त मर्डर हुआ है और जिस जगह पर हुआ है वो वहाँ मौजूद ही नहीं था, प्ली ऑफ एलिबी, लखनऊ में था वो, दिल्ली में तो था ही नहीं, तो वो ये डिफेंस भी देगा उसमें और उसके साथ के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाएगा। तो बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि उसका इनोसेंस भी प्लीड करना पड़ेगा, फैक्ट्स ऑफ द केस बताते हुए ये बताना पड़ेगा कि क्या ग्राउंड है उसके बेल की, राइट? वो ये भी बताना पड़ेगा कि वो अंडरटेक करता है कि अगर उसकी बेल ग्रांट होती है तो उसे वो पेश होगा, वो भागेगा नहीं, ठीक है?
तो एन एप्लीकेशन इज मस्ट फॉर सीकिंग बेल इन सच केसेस। ओके, अब आप इसमें ये देखिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज, मैंने आपको बताया कि हमारे शेड्यूल बताएगा नॉन बेलेबल ऑफेंसेज क्या होते हैं। इसमें बेल के लिए जब तक बेल की मेरिट नहीं होगी तब तक बेल ग्रांट नहीं होगी, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। ठीक है, बेल के लिए जनरली क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें कोर्ट कंसीडर करेगा बेल को कंसीडर करते हुए कि देनी है कि नहीं देनी। पहली चीज वो देखेगा सीरियसनेस ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस, कि ऑफेंस कितना सीरियस है नेचर का। अगर मान लीजिए इट इज ए मर्डर केस तो नेचुरली विक्टिम इज वेटिंग फॉर द जस्टिस। अगर अक्यूज की बेल हो जाती है मर्डर करने के बाद नेक्स्ट डे ही, तो सोसाइटी विल नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, विक्टिम विल नॉट बी फीलिंग एज सेफ एट द हैंड्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस रेज द आईब्रोज ऑफ द सोसाइटी एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट्स दैट अक्यूज शुड बी सेंट टू जेल। तो सीरियसनेस ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस इज वन फैक्टर। इसके अलावा क्या फैक्टर है देखा जाएगा, ये हमें इस सेक्शन के अंदर ही दे रखा है जो ये ग्राउंड्स हैं कि हमें क्या क्या ग्राउंड्स देखने हैं। हमने ये देखना है कि एंटीसीडेंट्स जो हैं, एंटीसीडेंट्स ऑफ अक्यूज देखा जाएगा। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर है कि नहीं, वो ये जो ऑफेंस है ये उसका फर्स्ट ऑफेंस है या उसके पहले भी कई ऑफेंस कर चुके हैं। तो ये उसके करेक्टर को, उसके नेचर ऑफ ऑफेंस जैसा सीरियस है। अगर कोई अक्यूज बार बार क्राइम कर रहा है तो क्रिमिनलिटी को ध्यान में रखते हुए उसे अगर बेल कर दी जाएगी तो वो बाहर जाके फिर से हम ऑफेंस कर देगा कोई दूसरा। तो प्रिवेंटिव रूप से उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर एंटीसीडेंट्स उसके बैड हैं तो प्रिवेंटिव मैयर के रूप में भी उसकी बेल रिजेक्ट हो सकती है। प्रिवेंटिव मैयर क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं कि हमें उसे रोकना है सोसाइटी में वापस आने के लिए। उसने ऑफेंस कर लिया, पकड़ा गया है, इससे पहले भी ऑफेंस करता रहा है, तो ये हो सकता है कि वो सोसाइटी में वापस आए फिर दोबारा से ऑफेंस कमिट कर ले। तो पोटेंशियलिटी एंड क्रिमिनलिटी ऑफ दी ऑफेंस भी, ऑफेंडर भी देखी जाए बेल ग्रांट करते हुए। अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है, आउट ऑफ परवर्सिटी हो गया है, या नेचर ऑफ ऑफेंस भी बहुत सीरियस नहीं है तो बेल ग्रांट हो भी सकती है। बट दिस इज ऑल्सो ए फैक्टर दैट हैज टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ द बेल। इसके अलावा देखा यह जाएगा कि ऑफेंडर जो है, ऑफेंडर कुड फ्ली फ्रॉम जस्टिस। ये क्या होता है, फ्ली मीन्स भाग जाएगा। आज उसकी बेल हो गई, कल को वो अपना जगह बदल देगा, उसको कोर्ट की चिट्ठी भी नहीं पहुंच सकती, ट्रायल जब हो रहा होगा उस वक्त वो पेश नहीं हो पाएगा और ट्रायल हैम्पर करेगा, यानी डिफीट ऑफ जस्टिस हो जाएगी। तो ऐसी चीजें भी देखी जाएंगी। इसलिए जो लोग परमानेंट रेजिडेंट हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे दिल्ली में ही घर है उसका, या गवर्नमेंट सर्वेंट है जो अपनी जॉब पर तो अवेलेबल होएगा ही और उसका एड्रेस भी पक्का है, और उसके ऊपर पहले कोई ऐसा ऑफेंस नहीं लगा है, तो उसका जस्टिस से फ्ली होना मुश्किल है। वो रहेगा और वो ट्रायल फेस करेगा। तो एप्लीकेशन में भी जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उन्हें ये डालना पड़ेगा कि अक्यूज एप्लीकेंट जो है वो परमानेंट रेजिडेंट है दिल्ली का और वो वहाँ से भागेगा नहीं, ही वुड बी अवेलेबल फॉर फेसिंग द ट्रायल। हाँ, वो कंडीशंस पर हम आएंगे, बताएंगे कि कोर्ट क्या क्या कंडीशन पुट कर सकती है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि उसका नहीं पता हो पूरा एड्रेस और फ्ली फ्रॉम जस्टिस होने के चांसेस हों,
और वो ये कह भी देगा, अंडरटेक भी कर लेगा, कंडीशन डलेगी भी, तो बेल कंडीशन को वॉयलेट भी कर सकता है, लेकिन कोर्ट को ये इंश्योर करना पड़ेगा पहले कि फ्ली फ्रॉम जस्टिस नहीं हो। ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स कोर्ट ध्यान रखेगा? कोर्ट इस बात का ध्यान रखेगा कि अक्यूज, एविडेंस और विटनेस को टेम्पर तो नहीं कर देगा, ठीक है? अगर ऐसा लगेगा कि वो बड़ी पोजीशन पे है, डोमिनियन पोजीशन पे है, और गवाह उसकी बेल होने के बाद कोर्ट में नहीं आ पाएगा, डर जाएगा या उसे डरा दिया जाएगा, या और कोई एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, करप्शन के चार्ज हैं उसी के कंट्रोल में, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इससे वो प्रूव हो सकता था, राइट? तो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, चाहे विटनेसेज का है या एविडेंस किसी तरह का है, उसके टेम्पर होने के चांस हैं, ये फैक्टर भी कोर्ट देखेगा बेल के टाइम पे। तो बेसिकली दीज आर दी फोर फैक्टर्स दैट वुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ बेल, राइट? अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसे कहते हैं मेरिट पर बेल को कंसीडर करना, ऑन मेरिट, ठीक है? कभी कभी कहते हैं कि बेल होने की मेरिट नहीं थी इसलिए बेल रिजेक्ट हो गई, तो मेरिट पर हमने बेल को कंसीडर किया। एक होती है डिफॉल्ट बेल, हमने आपको 436 में, 436 ए में बताया कि डिफॉल्ट बेल क्या है बेलेबल ऑफेंस के लिए। 436 बेलेबल ऑफेंस नहीं, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए भी 436 ए में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप आधे से ज्यादा पीरियड हो जाएगा उसका अगर कस्टडी में, जितनी पनिशमेंट है उससे आधी से ज्यादा, तो उसे बेल ग्रांट होनी पड़ेगी। उसमें हम मेरिट नहीं देखेंगे, वो भाग जाएगा, सीरियसनेस ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस है, एंटीसीडेंट्स उसके कैसे हैं, या वो विटनेस को टेम्पर करेगा नहीं करेगा, ठीक है? तो उसे हम डिफॉल्ट बेल, हमने बताया इसे कि ये डिफॉल्ट बेल है एक तरह की। ठीक, इसी तरह से 437 में भी अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मेरिट पर बेल नहीं हो रही है, तो एक सेक्शन 167 टू सीआरपीसी है। हमने कल जब वो बताया था कि क्रिमिनल कोर्ट कैसे प्रोसीड करता है, क्रिमिनल ट्रायल कैसे प्रोसीड करता है, उसमें हमने आपको ये बताया था कि चार्जशीट अरेस्ट के 60 डेज में फाइल होनी चाहिए उन केसेज में जिनमें 10 साल से कम की सजा है, 10 ईयर्स, ओके? और 90 डेज में चार्जशीट फाइल होनी चाहिए जिसमें कि ग्रेटर देन 10 ईयर्स है और कैपिटल पनिशमेंट है या LI है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ठीक है? जिनके जिन ऑफेंसेज की पनिशमेंट इस ढंग से है उसकी चार्जशीट का टाइम फिक्स है अगर अक्यूज कस्टडी में है। और मान लीजिए चार्जशीट फाइल नहीं होती है, चार्जशीट नॉट फाइल्ड बाय द IO विद इन दिस पीरियड, तब भी उसकी बेल हो जाएगी, बेल वुड बी ग्रांटेड और उस वक्त भी हम ये वाले फैक्टर्स नहीं देखेंगे मेरिट वाले, वो चार्जशीट ना फाइल करने की वजह से ही डिफॉल्ट में बेल हो जाएगी, क्लियर? तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को ये ध्यान रखना है कि इन केस चार्जशीट नहीं आती है फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट अंटिल 60 और 90 डेज एज पर द केस अवेलेबल, अक्यूजिशंस ऑफ द के ऑफेंस, सो वो एप्लीकेशन लगा सकता है, एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट में, राइट? तो हमने 436 ए में भी देखा डिफॉल्ट में, उसमें ये मेरिट कंसिडर नहीं की जाएगी, राइट? 436 वाला जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें भी मेरिट कंसिडर नहीं की जाएगी, बेलेबल ऑफेंस है तो बेल होगी उसकी। 436 ए में भी अगर आधे से ज्यादा पीरियड उसे कस्टडी में काट लिया, अंदर अंडरगोन हुआ, तो भी वो बेल ग्रांट होगी, वो भी मेरिट पर नहीं देखी जाएगी। बट 437 में
जब बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए लगेगी और डिफॉल्ट का नहीं आ रहा है तब तक ये सारी चीजें देखी जाएंगी. तो दीज आर दी फैक्टर्स फॉर ग्रांट ऑफ बेल. ओके, अब हम इसके साथ आते हैं 438, सेक्शन 438 सीआरपीसी. 438 इज एंटीसिपेटरी बेल. एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? वेयर देर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट. अगर देर एग्जिस्ट एन एंटीसिपेशन और एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसकी अरेस्ट हो सकती है, मान लीजिए कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और उसमें उसका नाम दिया हुआ है, या उसे ऐसा लग रहा है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है इस तरह के केस में, और उसे अप्रीहेंशन हो कि उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है. जैसे हम एक एग्जाम्पल दें कि मैट्रिमोनियल केस है, स्ट्रेंड वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ डोरी हरासमेंट का केस दर्ज कराया है, उसकी कंप्लेंट पर दर्ज हुआ है, या कोई डॉरी डेथ का केस है और कोई रिलेटिव है इन लॉज में से, उसे ऐसा लगता है कि उसका नाम भी लिया जा सकता है, तो एंटिसिपेट करता है वो कि उसकी एप्रीहेंशन होती है कि वो अरेस्ट हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में वो इन एंटिसिपेशन सेक्शन 438 सीआरपीसी में बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं. ये बेल एप्लीकेशन जो है ये सिर्फ सेशंस कोर्ट में लगती है, ठीक है जी. ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ सेशंस कोर्ट में लगती है, ये एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में नहीं लगती है, ये मजिस्ट्रियल कोर्ट में नहीं लगेगी. मजिस्ट्रियल कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल अंडर 438 सीआरपीसी. सो 438 सीआरपीसी में बेल एंटीसिपेटरी बेल होती है और वो एप्लीकेशन सेशंस में ही मूव होती है. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. अब एंटीसिपेटरी बेल के क्या क्या ग्राउंड्स हैं? सेम ग्राउंड्स, वी हैव टू सी द मेरिट्स ऑफ द केस. पहली बात तो रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए ऑफ अरेस्ट, ऑफ अरेस्ट. ऐसे नहीं है कि आए और कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि पुलिस बार बार मेरे घर के सामने घूम रही है, मुझे लगता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी. रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिमोनियल केस में या डॉरी डेथ के केस में, डॉरी हरासमेंट के केस में परिवार के कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है या एफआईआर दर्ज हो गई है और बंदा अप्रीहेंड कर रहा है कि शायद उसका नाम भी लिया है, हालांकि वो डिस्टेंट रिलेटिव है. तो रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए अरेस्ट का. वो ये प्रूव करे कि उसकी अरेस्ट से ये जो केस दर्ज किया गया है, जो ऑफेंस एलिज किया गया है, अक्यूजेशन जो लगाई गई है, वो इसलिए लगाई गई है ताकि उसकी रेपुटेशन को ह्यूमिलेट कर सके, इंजरी कर सके, इंजरी टू द रेपुटेशन, ठीक है. और ह्यूमिलेट करने के लिए लगाई गई है, ह्यूमिलेट करने के लिए, ह्यूमिलेटिंग द अक्यूज. मान लीजिए कोई अक्यूजेशन ऐसी है कि भाई ये ऐसे ऐसे मेरा बच्चा गायब हो गया है और मिसिंग है, मुझे लगता है कि इसने किडनैप किया है फॉर रैंसम, और उसका दूर दूर से कोई कनेक्शन भी नहीं है. वो ये प्रूव करना चाहता है कि मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए, ताकि मेरी बेइज्जती हो सोसाइटी में या मेरी रेपुटेशन को हार्म किया जा सके, इंजर किया जा सके, इसलिए लगाई हुई है. तो हमें ये वाली चीज भी लिखनी पड़ेगी कि दिस अरेस्ट जो है, जो एप्रीहेंडिंग अरेस्ट है, वो दैट मे बी फॉर हार्मिंग मी
और माई रेपुटेशन, राइट। तो ये दो चीजें हमें एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी अपार्ट फ्रॉम द अदर फैक्टर्स, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस और नॉट, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस जो कि कोर्ट देखेगा कि सीरियसनेस है ऑफेंस की कि नहीं है, राइट। फिर कोर्ट ये देखेगा कि ये अगर मान लीजिए इसे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए तो ये अवेलेबल होगा कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ अक्यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन। वहां हमने क्या देखा था कि फ्री फ्रॉम जस्टिस, कि अगर बेल दे दी जाए तो कहीं भाग तो नहीं जाएगा। यहां देखना होगा कि क्या ये बंदा अगर एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए तो क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेलेबल होगा कि नहीं। यहां से एंटीसिपेटरी बेल मिली, वहां से गायब हो गया, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए उसका लाई डिटेक्शन टेस्ट करना है या कुछ भी ऐसा करना है जिसमें इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज की रिक्वायरमेंट है और अक्यूज नहीं आ रहा है, या अक्यूज की TIP करानी है, टेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन प्रिपेयर कराना है, कंप्लेंट से उसको दिखवाना है कि यही वो आदमी है कि नहीं। तो जैसे TIP है, लाई डिटेंशन टेस्ट है, या कोई उसका लैब में उसकी किसी चीज का टेस्ट होना है जिसमें अक्यूज की अप्रिहेंशन, अक्यूज की प्रेजेंस जरूरी है, तो कोर्ट ये देखेगा कि उसकी अवेलेबिलिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए है, होगी कि नहीं, राइट। मान लीजिए कि वो किराए पर कहीं रहता है या किसी ऐसी जगह में रहता है जहां वो बाद में नहीं भी अवेलेबल हो सकता, या एड्रेस उसका पक्का नहीं है, तो मे बी एंटीसिपेटरी बेल पहले के दोनों कंडीशन भी पूरे हो रहे हों, रीजनेबल अप्रीहेंशन है उसको, ऑफेंस अक्यूजिशन उसकी इंजरी रेपुटेशन को इंजर कर सकती है, ह्यूमिलेज कर सकती है अक्यूज को, लेकिन और ऑफेंस भी सीरियस नहीं है मान लो, लेकिन ये वाली अगर अवेलेबिलिटी ऑफ द अक्यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन टेम्पर हो जाएगा और अल्टीमेटली डिफीट ऑफ द जस्टिस हो जाएगी। तो ये फैक्टर भी देखने वाला होता है एंटीसिपेटरी बेल के टाइम। अब एक और फैक्टर जो है जो मेरिट पर भी हम देखते हैं कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। ये बंदा अगर इसको एंटीसिपेटरी बेल दे दे तो कहीं एविडेंस जो अवेलेबल है उसको खत्म तो नहीं कर देगा, तो अगर एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो केस वैसे ही डिफीट हो जाएगा, जस्टिस उसका पर्पज डिफीट हो जाएगा, या वो थ्रेट टू दी विटनेसेस, तो नहीं करते विटनेसेस विक्टिम, ठीक है। तो ये फैक्टर्स भी देखे जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के टाइम। और एंटीसिपेटरी बेल में इंट्रिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट भी मिल सकती है, इंट्रिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। ये इंट्रिम स्टेटस अरेस्ट का हो सकता है कि कोर्ट इंट्रिम ऑर्डर कर दे कि कोई बात नहीं, जब तक ये चीज नहीं होती है तब तक इसे अरेस्ट नहीं करो, राइट। मान लीजिए कि उसे कोर्ट को ऐसा लगता है कि अभी अक्यूजिशंस वेल फाउंडेड नहीं है, अभी इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अभी पूरी बात समझ में नहीं आई है, पूरी बात इसके खिलाफ पेश नहीं हो रही है। मान लीजिए CCTV फुटेज देखा कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, या और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे लगता है कि ऑफेंसेज मे नॉट बी वेल फाउंडेड, तो इंटरिम प्रोटेक्शन भी कोर्ट दे सकती है फॉर द टाइम बीइंग, राइट। अब एंटीसिपेटरी बेल हो या इंटरिम प्रोटेक्शन हो अरेस्ट से, दोनों कंडीशन में कुछ कंडीशन भी लगा सकती है कोर्ट। और वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है कि आप इंडिया नहीं छोड़ोगे या प्लेस नहीं छोड़ोगे जहां पे रहते हो, यू विल नॉट लीव इंडिया, नॉट टू लीव इंडिया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ओके।
दूसरी कंडीशन लगा सकती है, यू विल नॉट विजिट द प्लेस ऑफ द विटनेसेस, विल नॉट विजिट द प्लेस ऑफ विटनेसेस, ठीक है, ये कंडीशन भी लग सकती है दैट यू विल ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द आईयू, विल ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन बिफोर द आईयू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ओके, ये भी हो सकती है कि इसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग ताकि वो इंडिया को नहीं छोड़ सके, ठीक है। और भी कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया को विजिट नहीं करेंगे जहाँ विटनेसेज रहती है, एरिया नॉट टू बी विजिटेड, ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो इंट्री बेल हो एंटीसिपेटरी या एंटीसिपेटरी बेल हो पूरी, ये कंडीशंस कोर्ट लगा सकती है और ये फैक्टर्स ध्यान में रखेगी जबकि ये एंटीसिपेटरी बेल मिलनी है। अब हम आते हैं अनदर बेल प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 439 सीआरपीसी। फोर थर्टी नाइन सी आर पी सी बिल्कुल सेक्शन 437 सी आर पी सी जैसा ही है। ये सेशंस में या हाई कोर्ट में बेल लगाने के लिए है। अगर इन दो जगह पर लगानी है डायरेक्ट बेल तो एप्लीकेशन फॉर बेल यहां लगेगी इस प्रोविजन में, और अगर मजिस्ट्रियल कोर्ट में लगानी है, मजिस्ट्रियल कोर्ट में लगानी है तो बेल एप्लीकेशन यहां लगेगी विद इन दिस प्रोविजन। दिस इज द डिफरेंस। दोनों केस में नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंड वेल फाउंडेड एक्यूजेशन, राइट। फैक्टर्स एंड ग्राउंड एंड कंडीशंस वही रहेंगी। फैक्टर्स हमने आपको बताए थे, बेसिकली ये देखा जाएगा कि किसी भी तरह से डिफीट ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, वही कि सीरियसनेस ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस, accusations, possibility of tampering of evidence or threat to the witnesses, okay, possibility of fleeing from justice, possibility of affecting the trial in any manner, okay, so इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और इन इसके साथ साथ मेरिट्स ऑफ द केस भी देखे जाएंगे। कंडीशंस क्या क्या इंपोज हो सकती हैं इसमें भी, वही नॉट टू टेम्पर एविडेंस और थ्रेट टू विटनेस,
उसके लिए कोर्ट ये कर सकता है कि कोर्ट ये कहे कि आप विटनेस के एरिया में नहीं जाओगे या आप एविडेंस को से दूर रहोगे। मान लीजिए कोई बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसके ऊपर करप्शन चार्जेज हैं, तो उसे कहा जा सकता है कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे या आप उस पर्टिकुलर जगह पर विजिट नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग योर बेल। अगर मान लीजिए मर्डर केस है तो विक्टिम या विक्टिम से रिलेटेड जो आई विटनेसेज हैं उनके एरिया में आप विजिट नहीं करेंगे। नॉट टू लीव द कंट्री या इम्पाउंडिंग ऑफ द पासपोर्ट। दैट यू विल नॉट लीव इंडिया। कभी कभी लीव दी कंट्री के साथ साथ लीव दी टेरिटरी ऑफ दी स्टेट जिस स्टेट का केस चल रहा है। समझ रहे हैं कि आप दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, राइट? इसके साथ साथ कंडीशन और भी बहुत सारी हो सकती हैं। फर्निशिंग ऑफ बेल बॉन्ड ये सब तो करना ही है विद श्योरिटी और नॉट श्योरिटी। अमाउंट डिपॉजिट करने की भी डायरेक्शन हो सकती है, कुछ अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। अगर कोई मनी से रिलेटेड केस है, मनी रिलेटेड केस है, मान लीजिए चीटिंग का केस किसी प्रॉपर्टी की सेल का केस है, तो कुछ मनी डिपॉजिट करने की भी डायरेक्शन हो सकती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की भी डायरेक्शन हो सकती है, राइट? कंडीशंस बेल की कोई भी हो सकती है। ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इस तरह से दीज आर दी फैक्टर्स, उन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रख के कंडीशंस इंपोज की जा सकती हैं। एंड एप्लीकेशन फॉर बेल अगर सेशंस में या हाई कोर्ट में लगानी है तो हम 439 में लगाएंगे, और अगर मजिस्ट्रियल कोर्ट में लगानी तो 437 में लगाएंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए होती है ये, और बेल एप्लीकेशन मस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट सुओ मोटो अपने आप कहेगा चलो बेल ग्रांट कर देते हैं। डिफेंस जो भी लेना है वो डिफेंस को एप्लीकेशन का पार्ट ऑफ द बॉडी बनाना है एप्लीकेशन की, और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है ताकि उस पर कोर्ट कंसीडर कर सके। ओके, सो दीज आर रिलेटिंग टू बेल प्रोविजंस फॉर टुडेज सेशन ऑन द चैप्टर ऑफ 33। एनी क्वेश्चंस प्लीज।